सत श्री अकाल जी सारे नूं, तुहाडा सारे का स्वागत है जी साडे चैनल सांझा लाहौर ते। आपां हुण चलदे आं पंज पातशाहियां जी दी चरण छोह प्राप्त धरती उस इतिहासक किले दे अंदर जिथे भाई बचित्र सिंह जी शहीद होए सन। आओ तुहानूं लै चलीए अंदर। इस किले अंदर छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय साहिब जी, अठवें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी और दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी आए हुए हैं। सब तो पहला गल करते हाँ इस पवित्र खूह बारे। पहली बार इस खूह ते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और 52 राजे इशनान करके गए सन, जिन्हां नूं गुरु साहिब जी ने ग्वालियर के किले चों छुड़वाया सी। दूजी वार इस खूह ते सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय साहिब जी अपने चरण पा के इशनान करके गए सन। तीजी वार इस खूह ते अठवें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी इशनान करके गए सन। चौथी वार नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जदों दिल्ली शीश देन जा रहे सन तां इस किले विच चरण पा के इस खूह ते इशनान करके गए सन। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ते जुझार जी भी इस किले विच आए हुए हैं। ये भाई बचित्र सिंह जी का अंगीठा साहिब है। ये उही कमरा है जिथे बीबी मुमताज जी ने भाई बचित्र सिंह जी की सेवा की थी जदों जख्मी हालत दे विच किले दे विच आए सन। ते इत्थे ही जदों उन्होंने शरीर त्यागता ते इत्थे ही इसे कमरे के अंदर ही उन्हों का संस्कार होया सीगा। आओ जी अंदर दर्शन करते हैं गुरु महाराज जी के। ये सब पुरातन शास्त्र ने जी, ये जो आप देख रहे हैं ढाल, ये वो ढाल आ जो गुरु गोबिंद सिंह जी नहिंग खान दे के गए सन। दर्शन करो जी। ये साढ़े भैन इतने इन्ह बच्चों इतने धार्मिक सिक्ख्या दे रहे ने। सानू भी अपने बच्चों नू ये सब कुछ सिखाउणा चाहीदा। दस गुरु साहिबान दे नाम, उन्हां दी जीवनी बारे अपने इतिहास तो जाणू करवाउणा चाहीदा अपने बच्चों नू। ये दृश्य भाई बचित्र सिंह ते उस हाथी दा है जिस हाथी नू भाई साहब ने अपनी नाकनी मार के मार दिता सीगा जदों मुगलां ने ये हाथी नू लोहगढ़ दे किले का दरवाजा तोड़न लई वरत्या सीगा। संगत जी जिवें कि तुहानू पता ही है ग्वालियर दे किले विचों 52 राजां नू छेवें पातशाह जी ने रिहा करवाया सी अते रिहा करवाउण तो बाद गुरु जी इस किले विच पहुँचे सन। इत्थों दा राजा शमश खां सी उस टाइम जिस दे घर कोई औलाद नहीं सी। शमश खां नूं उहदे सारे साक संबंधियों ने कहा कि जिहड़े महाराज 52 राजां नूं रिहा करवा के लैके आए हन तूं उन्हां दी सेवा कर, वह तुहानूं औलाद दा वर देणगे। ठीक इसे तरह ही शमश खां ने गुरु महाराज अते 52 राजां नूं इस किले विच रात रख के खूब सेवा कीती। सवेरे जदों गुरु महाराज इशनान करके जाण दी तैयारी विच सन तां शमश खां ते उहदे परिवार ने गुरु महाराज दे चरणां विच बेनती कीती कि गुरु जी असीं 84 पिंडां दे मालक हाँ, साढ़े घर साढ़े तो बाद
रियासत नूं सांभण वाला कोई है नहीं। तां उस समय गुरु साहिब ने वर दिता कि थोड़े घर दो पुत्तर जन्म लैणगे, जदों वड्डा लड़का होवेगा तां बिना किसी सगन तो 40 दिन बाद कीरतपुर लै आउणा। ये कह के गुरु साहिब जी उत्थों चले गए। कुछ समा पा के बच्चे ने जन्म लिया ते शमश खां ते उसका परिवार ठीक उस तरह ही गुरु साहिब के कहण मुताबक 40 दिन बाद कीरतपुर चले गए और बच्चे नूं गुरु साहिब के चरणों में लिटा दिता। गुरु साहिब जी ने शमश खां नूं श्री साहिब सरूपे वजो दित्ती और बच्चे नूं एक छोटा चोला पहना दिता। उस समय इस पिंड का नाम कोट पठाणा से, जो कि बदल के कोटला रख दिता और उस बच्चे का नाम नहिंग खां रखिया। नहिंग खां दे एक पुत्र सी ते एक धी सी। पुत्र का नाम आलम खां सी ते धी का नाम बीबी मुमताज सी। बीबी मुमताज जी जदों भाई बचित्र सिंह जी जख्मी हालत दे विच किले दे विच आए सन तां बीबी मुमताज जी ने ही उन्हां दी सांभ संभाल कीती सी। ते जदों भाई बचित्र सिंह जी अपना शरीर त्याग गए तां उस तों बाद बीबी मुमताज ने सारी उम्र विआह नहीं कीता, क्योंकि वह कहिंदे सन कि मेरे पिता जी ने जदों शपाइयां नूं कमरे की तलाशी लैण तों रोकता सी कि इत्थे मेरे धी ते जवाई आराम फरमा रहे ने, तां उदों ही मैं जिहड़ी अपनी अपना सहरा अपनी चुन्नी भाई बचित्र सिंह जी दे कदमां ते धरती सी ते मैं अपने आप नूं उहनां दी पत्नी मन लिया सी। ते उहनां दी शहीदी तों बाद मैं दूजा विआह करवा के उहनां दी शहीदी नूं दाग नहीं ला सकदी सी। ते बीबी मुमताज जी 131 साल दी उम्र लंबी उम्र भोग के गए ने इस दुनिया तो। साडियां सरकारां नूं जिहड़ियां साडियां इतिहासक स्थान पुराने इतिहासक स्थान उहनां वल ध्यान देण दी बहुत लोड़ है, क्योंकि अज संगत जी असीं ढा के पुराने ढा के नवें तां बनाई जा रहे हैं, पर जिहड़े पुराने आ उहनां नूं असीं सांभ नहीं रहे ते आउण वाली पीढ़ी नूं असीं की दिखावांगे, है ना। नवें जो नवें भी बनाउण पर पुराणियां नूं ढा के ना बनाउण, पुराणियां दी उस तरह ही सांभ संभाल कीती जानी चाहीदी है तां कि आने वाले लोग अपनी आने वाली पीढ़ी नूं जनरेशन नूं पता लगना चाहिए कि उस टाइम एक किहो जिहे स्थान होंदे सी। थोनू ये साडी वीडियो किदां दी लगी अपने अपने कमेंट करके जरूर दस्यो जी। वध तों वध शेयर करो, लाइक करो ते साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ जी। धन्नवाद जी सारयां दा।